हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज का ब्लॉग हम दोपहर के 1:30 बजे शुरू कर रहे हैं, और क्योंकि सुबह मॉर्निंग में पता ही है आपको वही सारे काम होते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो 1:30 बजे काम वाम सारे ख़त्म हो गए हैं। और आज मैं स्पेशल क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ गुड़ की तिल की गच्चक। तो तिल की गच्चक जो है, कई जगह से गुड़ की पट्टी भी बोलते हैं, गुड़ की गच्चक भी बोलते हैं, क्योंकि गुड़ मेला होता है तो तिल कम ही लोग कहते हैं, इसको गुड़ की गच्चक भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से मूंगफली भी की भी गच्चक बनती है। लेकिन देखना ये है कि मैं बना तो रही हूँ गच्चक, और गच्चक बनेगी या नहीं बनेगी, लेट्स सी इट। और अगर गुड़ की गच्चक नहीं बनी तो गुड़ के हम यानी कि तिल के लड्डू बना देंगे, मगर जो है बनाएंगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर आज, क्योंकि डेली सब्जी रोटी और ये सब कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ठंडा मौसम आ गया है तो लक्ष्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही है कि तिल में जो है कैल्शियम अच्छा होता है, और बच्चों को भी, इवन हम वुमेंस को भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम की जो है वो ज़रूरत रहती है। तो और तिल एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, तो इसलिए तिल के लड्डू खाना ज़रूरी भी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो देखते हैं कि कैसे तिल की गच्चक बनती है या तिल के लड्डू बनते हैं, अब देखना सिर्फ यही है। चलो फिर तैयार हो जाते हैं। क्या क्या मुझे आइटम्स चाहिए उसके लिए मुझे चाहिए गुड़, जिसको आप जैगरी भी बोलते हैं, और तेलुगु में अगर मैं बोलूँ तो बेलन बोलते हैं उसको, गुड़ को। तिल चाहिए, जितने तिल होंगे उसी का अमाउंट जो होगा, जैसे आधा किलो तिल लिए तो आधा किलो ही हमें गुड़ चाहिए, और बाकी किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो और मिक्स कर सकता है, जिसको जैसा जो पसंद होता है वो उसी हिसाब से खाता है। और गुड़ खाने में कोई मेरे ख्याल से नुकसान नहीं है, गुड़ तो अच्छा ही होता है, आयरन मिलता है आपको, और तिल से तो हमें ये दोनों चीज़ें ही मिलती हैं। तो ये दोनों आइटम मिलकर एक अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का, तो आप भी ज़रूर बनाना और अब भी ज़रूर खाना, और मैं भी चलो तैयारी करते हैं इसकी। और दूसरी बात यह है कि मुझे अभी लक्ष्य आएगा 4:30 बजे, तो अभी बीच में मुझे दो ढाई घंटे हैं, तो मैं इजली बना सकती हूँ। उसके आने के बाद तो पता ही है आपको कि फिर उसके साथ मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं। चलो फिर रेडी करते हैं, और जो भी बनता है गुड़ के लड्डू, वो उसके तिल के लड्डू बन जाए या गच्चक बन जाए, तो लाइक आप ज़रूर करना जो भी बन जाए। किलो तिल ले लिए, जिनको मैं हल्का फ्राई कर रही हूँ ताकि हल्के इसमें जो नमी होती है ना वो निकल जाए। ये हल्का रोस्ट होने के बाद इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन इतना बिल्कुल बारीक इसको ग्राइंड नहीं करना है, हल्का दरदरा करना है ताकि थोड़ा मोटा भी रहे। ये देखो हमने इसको दरदरा पीस लिया है, जितना आधा किलो ये तिल है उतना ही आधा किलो हमने जैगरी यानी कि गुड़ को भी हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। इसमें हल्का सा 1 चम्मच घी डालकर और 2 चम्मच पानी मिला के इसको मेल्ट कर लिया है। अब ये इसी में डालेंगे, इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं पकते हुए, तो चलो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। कई जगह इसको गुड़ की गच्चक भी बोला जाता है, तिल की गच्चक भी बोला जाता है, और कई जगह इसको तिल की पट्टी भी बोली जाती है, मतलब आपको जो अच्छा लगे वो बोलो। हे गाइस, तो देखो बना तो रहे थे हम गुड़ की वो तिल की गच्चक, लेकिन बना दिए हमने तिल के लड्डू।
तिल की गज्जा कभी कह रही थी मैं अभी मुझे मत बनाओ, मुझे मत बनाओ, तो वो बनी नहीं तो हमने लड्डू बना दिए। खैर जाने तो पेट में ही है, चाहे लड्डू के रूप में जाएं चाहे गज्जक के रूप में जाएं, जाना तो उन्होंने पेट में ही है, तो गुड़ के लड्डू ही सही, अगली बार गज्जक बना लेंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, गज्जक की जगह लड्डू की? तो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। के साथ मैंने पहले शेयर किया है, क्योंकि आलू पालक वगैरह ये खा के तो बोर हो जाते हैं, तो इस तरीके का साग जो है बोर नहीं होने देता। इसमें पालक भी है, लस्सी भी है और सारी जो जो हमें चाहिए, हमें नीड, हमारे बॉडी को नीड होती है, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो और ये खाना भी बहुत पसंद करते हैं, लक्ष्य भी इसको खाना पसंद करता है, इसलिए मैं इसको बना देती हूँ ख़ास तौर से इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में। और अगर लक्ष्य को पसंद है तो ये चीज़ तो हमेशा वो सुबह सुबह ऑर्डर कर भी जाता है कि मुझे आज शाम को ये चाहिए खाने में, मुझे आज दोपहर के खाने में ये चाहिए। तो मॉर्निंग में वो वेजिटेबल राइस लेकर गया था और अब रात के खाने में वो अपने फेवरेट पालक का साग खाएगा। भाई देखो लक्ष्य आ गया, लक्ष्य की एंट्री हो गई भाई। आ गया है और अब हमने जो मॉर्निंग में बनाया था ना, हेलो गाइस, वो बिल्कुल लक्ष्य, सारा खाओ। यस, नहाल भी लिया लक्ष्य। तो अब हमने जो मॉर्निंग में बनाया था वो लक्ष्य के साथ टेस्ट करते हैं, देखते हैं लक्ष्य पहचानता है उसको या नहीं, और कैसा बनाया वो भी आपको फीडबैक देगा। चलो हलवा पहले आइस क्लोज, इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजों में देखते हैं लक्ष्य कैसे पहचानता है। चल लक्ष्य लो अब, आईज आईज ओपन, आईज ओपन नहीं करना, ठीक है? खाओ। लड्डू। यस, कैसा बना? काजू। वो आईज क्लोज करके खाना था ना, काजू। अब तो आईज खोल ली। पहले ये बताओ लड्डू कैसा बना? अच्छा, सच में बता, सच में? तेरा फेस तो नहीं बता रहा। हम बता रहे हैं। तो चलो गाइस, लक्ष्य को भी लड्डू पसंद आया। हम बना तो रहे थे गच्चक, लेकिन बन गए लड्डू। ठीक है, गच्चक मतलब इसी की वो जो ऐसी स्क्वायर टाइप में जो होती है वो, हाँ, इरेजर की तरह से समझ ले, या स्क्वायर टाइप में जो होती है वो बना रहे थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, हमने लड्डू बना दिए। अब लड्डू तुझे अच्छे लगे? चलो, तो गाइस हमारी मेहनत सफल हुई, लक्ष्य को लड्डू पसंद आए। तो आप भी अपने घर में बनाना इसी टाइप से, लेकिन आप गज्जक बना लेना, थोड़ा सा गुड़ और एक्स्ट्रा डाल लेना बस।